क्या आप सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाते हैं या सूर्यास्त के समय दूध या हल्दी दान करते हैं? तो हो जाए सावधान। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों हमारे धार्मिक ग्रंथों या शास्त्रों के अनुसार कुछ काम सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद करना बहुत ही अपशगुन होता है। ऐसी मान्यता है कि इन कामों को करने से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जिससे घर में दरिद्रता और कंगाली छा सकती है। आज की इस बेहद खास वीडियो में हम ऐसे ही पांच कामों के बारे में जानेंगे जिसको सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद कदापि नहीं करना चाहिए। एक, शाम के समय ना सोएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम के समय नहीं सोना चाहिए। प्रचलित मान्यता के अनुसार जिस घर में शाम के समय लोग सोते हैं वहाँ देवी लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। दो, ना लगाएं झाड़ू। प्रचलित मान्यता के अनुसार शाम के समय झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए। ना ही शाम के समय घर से बाहर कूड़ा कचरा फेंकना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। तीन, तुलसी को ना चढ़ाएं जल। धार्मिक मान्यता के अनुसार शाम के समय ना तो तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए ना ही तुलसी की पत्तियों को तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर से चली जाती हैं। चार, ना करें इन चीजों का दान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय दूध, खट्टी चीजें, नमक, हल्दी और दही का दान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। पांच, ना करें पैसों का लेन देन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद भूलकर भी पैसों का लेन देन नहीं करने चाहिए। मान्यता है शाम के समय पैसों के लेन देन से वो पैसा कभी वापस नहीं आता, क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर से चली जाती है। दोस्तों इसके अलावा घर की महिलाओं को सूर्यास्त के समय ना ही बाल बांधने चाहिए और ना ही सिंदूर लगाने चाहिए। शास्त्रों में इसे बहुत ही अपशगुन माना गया है। शास्त्रों की माने तो गुरुवार को महिलाओं को कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए और रविवार को तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। माना जाता है रविवार को माता तुलसी निर्जला व्रत रखती है, ऐसे में आप घोर पाप की भागी बन सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।